प्रो की लिस्ट में आते हैं, सीजन टू से खेल रहे हैं टीजीएल मलेगा। नंबर थ्री की टीम की पूरी ग्रिप, तो ये टीजीएल मले फील्डिंग में घुसे हुए हैं जनाब, लेकिन समझ नहीं आ रही किस तरफ से वार करें, किस तरफ जाएं, क्या करें, क्योंकि ये बहुत ही अहम फैसला है, ये इतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। तो देखते हैं टीजीएल मले क्या करते हैं। ये ऊपर कैंप करके बैठे हुए हैं अरसलान की टीम, और नेर भी मेरे ख्याल में टीजीएल मले की टीम के पास ख़त्म हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा जल्दी फाइल लें क्योंकि और टीम्स को भी हमने देखना है। और ये फाइट होने लगी है। ओ ओ ओ ओ टीजीएल मलिक नॉक हो गए हैं, टीजीएल मलिक अरसलान नॉक हो गए हैं जनाब। ये दो बंदे टीजीएल मलिक की टीम से नॉक, और ओ भाई ये क्या हो गया रे, यहाँ पे दो बंदे नॉक हुए हैं, लेकिन फिर भी ये फाइट अगर देखी जाए तो टीजीएल मलिक के हक में हुई है क्योंकि उन्होंने एक बंदा बिल्कुल फिनिश कर दिया है। तो देखते हैं वो क्या कर पाते हैं। जी अमान भी भाई कैंप करके बैठे हुए हैं जी अमान। ओ और ये फाइट, और देखते हैं, और नॉक कर दिया जी अमान ने। जी अमान की मैंने आपको पहले ही कहा था बॉडी लैंग्वेज लगता है कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और जी अमान ने एक बड़ा नुकसान कर दिया टीजीएल मलिक का। टीजीएल मलिक गुस्से में आकर क्या करेंगे देखते हैं। टीजीएल मलिक बहुत अच्छे प्लेयर हैं और ये गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। टीजीएल मलिक की यार तू को आगना पे नंबर 4 को टक्कर देना पे, नंबर 2 को टक्कर देना पे, ये नंबर 2 है कौन यार। और ये आवाज आ रही है भाई, पीछे से आवाज आ रही है। और ये क्या भाई, ये क्या और ओ मेरे भाई, हमारा प्रो स्क्वाड, अच्छा स्क्वाड भूलने वाला है। और जय चीज जी अमान के भाई रॉक मलिक ने खत्म कर दिया है भाई। आप अपना स्पीकर अपने पास रखा करें क्योंकि यहाँ पे ओए आवाज आपकी भाई इधर आ रही है। तो देखते हैं कौन सी टीम का भी फटा पड़ना। 9, 4, 23, 11, 5, 4 और 9 का रफड़ा है भाई, 4 और 9 का रफड़ा, 9, 9 और 1, 9, 1। ये 9 के साथ मुसलीम जा के ड्राइव कर रहे हैं, अजीब सा लग रहा है मेरे भाई, ये क्या है। पूरी नूब की टीम अभी बाकी है, देखते हैं। इनका मुकाबला आ गया है नंबर 1 की टीम के साथ जो कि रिजॉर्ट में मौजूद है, नंबर 1 की टीम जो कि अच्छा खेल पेश करेगी, ये प्रो टीम है। देखते हैं मुरसलीन साहब क्या कर पाते हैं, और ये फायरिंग का तबादला शुरू। और यहाँ के डॉन को पड़ी हैं, डॉन नाक आउट हो गए हैं यहाँ पे। तो ये फाइट अच्छी होगी लेकिन प्रो वर्सेस ओहो शेडो की टीम के साथ मुकाबला। शेडो सॉरी भाई, ये तो दो टीमें अपनी आ गई, ये चीज़ अभी देखेंगे कौन कितने पानी में है, क्योंकि हमारे और शेडो के नज़दीक मुरसलीन एक नूप प्लेयर है, और ज़हीर के क्या कहने। ये जैन भाई घूमते हुए शेडो को देख रहे हैं, और शेडो की टीम, शेडो ने अभी तक ये क्या यार, शेडो ने कोई अच्छी गन ही नहीं पकड़ी हुई, तो क्या शेडो को लूट नहीं मिली यहाँ से। और यहाँ पे जैन ने फायरिंग करना शुरू कर दिया है, शेडो अच्छे प्लेयर हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या मेरे भाई, आप तो बहुत दूर चले गए हो शेडो, ये और यहाँ पे उनका टीममेट नॉक हो चुका है।
तो शेडो शेडो पीछे से घूम के आ गए हैं भाई, तो देखते हैं शेडो क्या करते हैं। शेडो पीछे से घूम के आ गए हैं और आगे से टीम उनकी बड़ी एक में तमली के साथ आए हैं यार ये लोग। कोई इनकी इतना बड़ा ये कंसेप्ट बना के, इतना बड़ा जहन बना के किस तरह आ गए हैं ये देखें। ये शेडो के अच्छे वार और मुरसलीन, नॉट मुरसलीन तो फिनिश कर दिए शेडो ने, मुरसलीन और डॉन नंबर वन फिनिश। और ये कोई नुकसान नहीं कर पाई जहीर की टीम शेडो का, और शेडो ने फिनिश कर दिया है, पूरी टीम ही फिनिश कर दी है। वेल प्लेड शेडो। मुरसलीन भाई आप अंदर आ जाओ, आपकी टीम का तो कलियदान हो चुका है यहाँ पे। ये उन्होंने बिल्कुल यार नुकसान किया था, बिल्कुल भाई किया होगा। तो अभी हमारे पास काफ़ी प्रो टीम बची है। तो ये मिठा लोग किधर घूम रहे हैं भाई, मिठा लोग किधर का लोचा घुमा के बैठे हुए हैं, देखना पड़ेगा। तो ये आप ओवरऑल रिजल्ट, ये शाजिद मलिक की टीम यार सबसे टॉप में जो अभी तक टीम है ना वो साउथ की टीम है, जो कि सबसे अच्छी है सर। और इनका फड्डा किसी न किसी की तो होगा। तो 1 2 3 4 5 6 6 टीमें बाकी हैं। नंबर फोर की टीम कौन सी है? नंबर फोर की टीम एक ही जगह टीम है भाई, नहीं सॉरी ये अच्छी टीम है। भुगत गया हो ना शेड हो रहा मारा तो सबको ना है स्वेल हो रहा। हाँ साजिद कौन है, स्वेल है, दिन है उदिया आदिल। बाकी चलो मैं ओ शांत दिया, मैं तो फ़ोन करना मैं स्पेक्टेट की दिया था। ये जनाब आगे बढ़ाते हैं, ये जहीर का फ़ोन था और सॉरी जहीर लोगों के बारे में गलत बोल गया। ठीक है भाई ओके, तो देखते हैं। तो यहाँ पे वीडियो में बदकिस्मती के साथ ये लोग आ गए हैं। ये जनाब आपको दिखाते चलें कि सर्कल ने भी साथ दे दिया है। ये इनको हम सांप कह रहे हैं यार, वह दूसरे क्या बड़ा सांप भी एक होता है या वो कह दे। तो यहाँ पे शेडो को पाड़ रही हैं या क्या हो रहा है, थोड़ी देर में पता चलेगा। तो सारी जोन का डैमेज है। तो यहाँ यार यहाँ पे थोड़ी सी समझ बूझ रखनी चाहिए, जोन के डैमेज से बंदे को बचना चाहिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट का मैच है। अगर आप इसी तरह बाहर बाहर सर्वाइव करेंगे तो इस तरह होगा कि आपको जोन डैमेज दे सकता है। बाकी अच्छी टीम है, यहाँ पे मुरसलीन डॉन नंबर वन जहीर और जैन का कलियदान हुआ है। ये अभी तीन टीमें क्लोज, 23 नंबर, 12 नंबर और 1। तो हम नेक्स्ट हमारा टारगेट है इसी टीम पे ही रहेंगे, क्योंकि जो अब और कुछ आ जा सकता है तो कर देंगे, कोई टीम क्लोज नहीं। तो शेडो अपना एक पीता बंदा पीछे छोड़ रहे हैं, ये क्या हुआ है ये? नहीं नहीं सॉरी इनके साथ ही आ रहा है, उसका नेट कुछ प्रॉब्लम है। तो शेडो के पास कोई इतनी अच्छी गन नहीं थी, कोई इतनी अच्छी लूट नहीं थी, फिर भी एक अच्छे स्क्वाड को उन्होंने मात दे दी है। मैं मजाक कर रहा था कि लूट स्क्वाड है, लेकिन अच्छा स्क्वाड था। बाकी उन लोगों की थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से वो खुद ही अपनी गेम फिनिश किया उन लोगों ने, क्योंकि जहाँ पे शेडो ने इतनी अच्छी समझ बूझ के साथ उन पर अटैक किया तो वो भी कर सकते थे, वो एक ही जगह पर मौजूद रहे। तो 23 की टीम शेडो की टीम के पीछे है, और 23 का स्क्वाड अगर शेडो के स्क्वाड के साथ टकराता है तो काफ़ी अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों बहुत बढ़िया स्क्वाड हैं। ये शेडो की टीम आगे, 23 की टीम पीछे पीछे। तो शेडो उनको चकमा दे दिया है, एक दफ़ा फिर शेडो ने चकमा दे दिया है एक और टीम को, साइड पर निकल गए हैं शेडो। और यहाँ पे फाइट मेरे ख्याल में अच्छी होगी, क्योंकि तीन चार टीम एक साथ, ये घूम गए हैं भाई। हाय ये 23 की टीम नंबर 1 की टीम के आमने सामने, और ये फायरिंग का आगाज शुरू, फायरिंग शुरू, फायरिंग शेडो की टीम पे शुरू। और मेरे ख्याल में ये गाड़ी में इनका कलीदान हो जाएगा, ये भस्म हो जाएंगे गाड़ी में। शेडो ने अच्छी ड्राइव की है,
अच्छी कोशिश की और ये चकमा दे गए शर्टों, लेकिन नहीं 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 ब्रो, नहीं ब्रो, नहीं 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 नहीं, नहीं। ओ वही मिस्टेक दोबारा। आप इसको बच्चों वाली गेम समझें या कुछ और, शैडो की टीम गाड़ी में ही ख़त्म यार, अजीब सोच।